अस्पताल में अक्सर डॉक्टर नहीं नर्स की सेवा से मरीज खुश हो जाता है, और वही नर्स जब बीमार पड़ जाए तो क्या होता है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। हमारे हमारे छोटे छोटे भतीजे भतीजी है, मेरे भैया अकेला लेके परेशान थे, लेकिन इन लोगों ने कोई आए जब का कोई काम नहीं सुना। वो लेकर के रात भर परेशान रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्टाफ के नाते यहाँ स्टाफ का कोई मालूम नहीं है। ये यहाँ प्रशासन ने बहुत लापरवाही की है। यहाँ परमानेंट स्टाफ थी और लोहिला वाली लगा कर कि वेंटिलेशन नहीं है, ये नहीं होने का, बार बार चिल्लाते रहे सर बचा लीजिए मेरे छोटे छोटे बच्चे। इस परिवार का दर्द इतना है कि जिस अस्पताल में मंजू ने बरसों बरस तक मरीजों की सेवा की, बदले में उसी अस्पताल ने मंजू को मौत दे दी। जी, यह हाल उस अस्पताल का जिसे पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, बीएचयू का सर सुंदर लाल चिकित्सालय। मंजू यहां पर बतौर नर्स काम किया करती थी, और कल जब तबीयत बिगड़ी तो मंजू के पति उसे अस्पताल में लेकर पहुंचे, और परिवार वालों का कहना है 6 घंटे बीत गए, मंजू को उसी अस्पताल ने इलाज नहीं दिया जहां वो इलाज कराने आने वाले लोगों को सेवा किया करती थी। ना आईसीयू में बेड मिला, और नतीजा यह हुआ कि मंजू ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। साथ ही कर्मचारी की मौत से अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ भी गुस्से में। सुबह सैकड़ों नर्सों ने मंजू के शव के साथ बीएचयू के कुलपति के घर का घेराव किया। विवाद बढ़ा तो अस्पताल प्रबंधन भी सामने आया, और यह कहकर पल्ला झाड़ गया कि जब बेड नहीं यानी सीट नहीं तो देंगे कैसे। आईसीयू में बेड की प्रॉब्लम होती है, देखिए आप ये समझिए कि ऑलरेडी जो मरीज हैं उनको तो हटाया नहीं जा सकता जी। वो इंतजाम किया गया, लेकिन जब तक इंतजाम हो तब तक अनहोनी। तो इंतजाम कर रहे हैं, इंतजाम हो गया था, अनहोनी हो गई देश के सरकारी अस्पतालों में। इन शब्दों को सुनते सुनते हर किसी के कान तो पक चुके होंगे। मरीज रोजाना दम तोड़ देते हैं, और जिस सुंदरलाल अस्पताल में ये हाल हुआ और जहां कहा गया बेड नहीं थे आईसीयू में, तो उसका हाल समझ लीजिए। दरअसल बीएचयू के सुंदरलाल अस्पताल में लगभग 1900 बेड है, और नियम के मुताबिक 10% सीट आईसीयू में होनी चाहिए, यानी आईसीयू में 190 सीट होनी चाहिए, लेकिन पूरे अस्पताल में आईसीयू की सिर्फ 16 सीट है। तो ये एक सरकारी अस्पताल का सच है, या कहें ये एक सच भर है। देश का सच तो यही है, विवाद होता है, लोग मरते हैं, सफाई आती है, और फिर मौत के बाद एक खामोशी। इसके बाद भी तो खामोशी ही है, जवाबदेही किसी की नहीं, सुध कोई नहीं लेगा, मानकर चलिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।